And a warm welcome from Beamish Bookworms. हम सब इंग्लिश स्कूल्स में कॉलेजेस में सीखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते भी हैं, मगर कभी कभी इंग्लिश को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की इंग्लिश थोड़ी सी हटकर है। हमारी इंग्लिश इंडियन इंग्लिश कहलाती है। स्कूल्स में हमने क्वींस इंग्लिश या हम जिसे ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं उसे सीखा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद अमेरिकन इंग्लिश का भी हमें काफ़ी एक्सपोजर मिला है और हमारी स्पोकन इंग्लिश उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई है। आओ आज बीमिश बुकवर्म्स के साथ हम देखें, पढ़ें और समझें इन दोनों वोकैबुलरीज का फर्क। तैयार हो? चलो। जैसा कि आपने देखा है, ये क्लोथ्स अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, पहले हम उसको देखेंगे और समझेंगे। पैंट्स, हम हिंदी में जैसे पैंट बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसे पैंट्स बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स। हिंदी में हम हर चीज को छोटा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए पैंट्स का हम लोगों ने पैंट बना दिया है। आगे स्वेटर, हम लोग भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वी यूज द वर्ड स्वेटर। ब्रिटिश इंग्लिश में उसे पुलओवर या जर्सी बोलते हैं। नंबर थ्री, वेस्ट, जिसे हम लोग वैसे वेस्ट को गंजी बोलते हैं जो हम लोग बनियाएं पहनते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वेस्ट हियर। ये जो बाहर की ऊपर पहना जाता है, शर्ट के ऊपर जैसे पहनते हैं, मैं उस वेस्ट की बात कर रही हूँ। और ब्रिटिश इंग्लिश में उसे वेस्ट कोट बोलते हैं। हम लोग वेस्ट का एक टोटली डिफरेंट मीनिंग ले लेते हैं, हम अंडर गार्मेंट्स के मायने में उसको यूज करते हैं। नंबर फोर, गैलोशेस, प्रोनंसिएशन भी आप लोग देखते जाएं मैं कैसे बोल रही हूँ। गैलोशेस, गैलोशेस वेलिंगटन बूट्स, या इसको छोटे में ये लोग वेली भी बोलते हैं, वेलिंगटन बूट्स, छोटे में वेलीज। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास। हम एक्चुअली इन दोनों को यूज नहीं करते, हम गैलोशेस भी नहीं बोलते, हम वेलीज भी नहीं बोलते, हम उसे गम बूट्स बोलते हैं जो प्लास्टिक के अक्सर हम लोग पहनते हैं बरसातों में, है ना, ताकि हम लोग के पैंट्स और हमारे शूज जो है वो गीले ना हो, तो हम गम बूट्स पहनते हैं, जिसको ये लोग अमेरिका में गैलोशेस और यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में वेलिंगटन बूट्स या फिर वेलीज बोलते हैं। बारिश की ही बात चल रही है तो यहां पर आया रेनकोट, और यहां आया मैकिंटोश। अगेन उसको शॉर्ट फॉर्म में ये लोग मैक बोलते हैं, हमारे तो रेनकोट ही बोला जाता है ज्यादा, है ना। ओके, आगे बढ़े। जिम शूज, कसरत करते हुए जिम में जो जूते पहने जाते हैं उन्हें बोला जाता है जिम शूज यहां पर। और यहां क्या बोला जाता है? प्लिम्सॉल्स, जिम शूज प्लिम्सॉल्स। आगे बढ़े, जूतों की बात हो रही है। स्नीकर्स, जो हम पूमा एडिडास वगैरह के जूते पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज जिसे हम लोग बोलते हैं, यहां पर बोला जाता है स्नीकर्स। और यहां ट्रेनर्स, कितना फर्क है ना, स्नीकर्स ट्रेनर्स। आगे बढ़े, रोब, यहां ड्रेसिंग गाउन, हम लोग गाउन भी बोल लेते हैं शॉर्ट में, ड्रेसिंग गाउन ना बोल के सिर्फ केवल गाउन बोल लेते हैं लेडीज जो पहनती हैं, यहां पर रोब। यहां नेक्स्ट आया डायपर, हालांकि कपड़ा नहीं है, पर आई एम जस्ट जनरली हम लोग इसमें बताना चाहती हूँ, डायपर नैपी। अब हमारे यहाँ नैपी मोस्टली वो जो ट्रायंगुलर शेप कपड़ा होता है जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को हम लोग पहनाते हैं उसको बोलते हैं, पर यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ नैपी। नैपी का मतलब होता है डायपर, जो बाजार में हम लोग बच्चों के रेडीमेड नैपीज खरीदते हैं, दैट इज अ नैपी।
इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड डायपर इन अमेरिकन इंग्लिश. हमारे यहाँ भी आई थिंक वी यूज द वर्ड डायपर मोर. नैपी हम दूसरी उस जो ट्राइंगुलर शेप कपड़ा जो बच्चों को पहनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज को हम उसे नैपी बोलते हैं. आगे बढ़े टर्टल नेक. तो यहाँ आया पोलो नेक. सर्दियों में या बिल्कुल जो शुरुआत की सर्दी भी होती है या बाद में भी जब सर्दी और गहरा जाती है हम लोग गर्दन को कवर रखने की कोशिश करते हैं. तो ऊपर तक हम लोग एक टी शर्ट पहनते हैं जो गर्दन को भी कवर रखती है ना. तो उसे टर्टल नेक या फिर पोलो नेक के नाम से बुलाया जाता है. हम लोग आई थिंक इंडियन इंग्लिश में दोनों का ही इक्वली प्रयोग करते हैं. टर्टल नेक भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोलो नेक भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है अब आगे बढ़े है ना. नंबर 11 ओवरऑल्स. यहां आया डंगरीज. ओवरऑल्स बेसिकली जीन्स के कपड़े से बनते हैं. आजकल तो खैर ओवरऑल्स आर मेड फ्रॉम कॉटन क्लॉथ ऑल्सो जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ओवरऑल ओवरऑल मतलब पूरा आपका शरीर उससे ढका हुआ है. तो ये बेसिकली वर्क क्लोज है ना. जब आप अंदर के अपने कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहते यू आर डूइंग सम मैन्युअल लेबर ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जिसमें आपका गंदे होने के चांसेस ज्यादा हैं. पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कपड़े गंदे हो सकते हैं तो हम ओवरऑल्स पहनकर काम करते हैं या हम जिसे डंगरीज बोलते हैं. अब तो खैर वो फैशन स्टेटमेंट हो गई है. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क वैसे भी पहने जाते हैं और ओवरऑल्स यहाँ पर डंगरीज है ना. ओके आगे बढ़े शू स्ट्रिंग फीता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यहां पर हम उसे बोलते हैं शूलेस. आई थिंक वी यूज बोथ दीज इक्वली. हम लोग शू स्ट्रिंग शूलेस दोनों ही बोलते हैं. हिंदी में तो फीता बोलते हैं. अमेरिकन में नेक्स्ट आया हमारा हैंडबैग जो लेडीज कैरी करती हैं है ना. हैंडबैग को ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है पर्स. हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं. वी यूज बोथ हैंडबैग पर्स. ठीक है आगे बढ़े सस्पेंडर्स. सस्पेंडर्स को यहां बोला जाता है ब्रेसेस. अक्सर आपकी जो पैंट्स होती हैं या शॉर्ट्स होती हैं उसको आप यू नो ऊपर से नीचे तक एक इलास्टिक का जो सस्पेंडर होता है उससे फिक्स करते हैं. आई डोंट नो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता. मैं जब छोटी थी मुझे लगता था कि पैंट गिरने वाली है किसी की इसलिए वो सस्पेंडर लगा रहा है. बट ऑनेस्टली आई थिंक इट्स जस्ट अ फैशन स्टेटमेंट. आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज किसी की पैंट गिर रही होती है. बट यस सस्पेंडर्स एंड ब्रेसेस. कुछ कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ना हमें बहुत बाद में मिलती है और कभी कभी मिलती ही नहीं है तो हम लोग अपने हिसाब से उसकी लॉजिक लगा लेते हैं. बेदिंग सूट और स्विमिंग सूट या स्विम सूट भी बोल सकते हैं. स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी बोल सकते हैं पर यहाँ पर हम केवल ये देख रहे हैं कि इन दोनों वोकैबुलरीज में क्या फर्क है. बेदिंग सूट स्विमिंग सूट या फिर स्विम सूट राइट. टक्सीडो जो ब्लैक डिनर जैकेट पहना जाता है जो पार्टीज वगैरह में जाते हैं. ब्लैक कोट ब्लैक ट्राउजर्स और वाइट शर्ट और मोस्टली बो टाई लगी होती है दैट इज कॉल्ड अ टक्सीडो हमारे अमेरिकन इंग्लिश में. और यहां पर क्या बोला जाता है डिनर जैकेट ब्रिटिश इंग्लिश में. अगेन सेम है कपड़े तो वही है सिर्फ अलग नाम से पुकारा जाता है. जिपर जिप हम लोग जिप ही बोलते हैं जिपर ज्यादा. आई डोंट थिंक कोई बोलता है. अब यहां देखें यहां पर वर्ड दोनों जो है उसकी स्पेलिंग का फर्क है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है पर आई थिंक दोनों एक ही जगह से डिराइव किए गए हैं. ये है पजामाज पजामाज और ये यहाँ एक ही जगह पर वाई डाल रहे हैं और पिजामाज पजामाज पिजामाज सेम बस थोड़ा सा प्रोनंसिएशन और यहाँ पर एक हल्का सा स्पेलिंग का फर्क है. अंडरगार्मेंट्स की बात करें यहाँ बोलते हैं पैंटीज
यहां बोला जाता है निकर्स। लास्ट नाइट गाउन, यहां नाइट ड्रेस। ठीक है, यहाँ क्लोथ्स तो हमारे पूरे हुए, और भी हैं, बट राइट नाउ वी जस्ट गोना डू दिस मच, है ना। और आगे हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी, अब बात करते हैं फूड, खाने पीने की, है ना। खाने पीने में भी काफ़ी फर्क है हमारी वोकैबुलरी में। हम लोग जिसको बोलते हैं बिस्कुट हिंदी में, यहाँ बोला जाता है कुकी, और यहाँ बिस्किट हिंदी में बिस्कुट, ब्रिटिश इंग्लिश में इंग्लिश बिस्कुट, बिस्किट बिस्कुट, कुकी अमेरिकन इंग्लिश में। चिप्स, या हम लोग जिसे वेफर्स बोलते हैं, पटेटो वेफर्स, है ना, यहां बोला जाता है चिप्स, और यहां क्या बोलते हैं, क्रिस्प्स। हम लोग वेफर्स बोलते हैं, पटेटो वेफर्स, पटेटो चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, चिप्स क्रिस्प्स। इसको लेकर मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, ये नंबर 3, इसलिए मैंने लिया है कॉटन कैंडी, जिसे हम लोग बचपन में, हम लोग तो इसे बूढ़ी माई के बाल बोलते थे। यस ऑफ कोर्स, हमें नाम नहीं पता था, बूढ़ी माई के बाल आई थिंक सभी लोग बोलते थे, बिकॉज इट यूज टू लुक लाइक एन ओल्ड वुमन्स हेयर, इसीलिए हम इसे बूढ़ी माई के बाल बोलते थे। लेटर इट केम, आई बिकेम टू नो दैट इट्स कॉल्ड कैंडी फ्लॉस। ये वाला शब्द मुझे बहुत बाद में पता चला है, जब मेरे अमेरिकन कजन्स यहाँ आते थे, तब वो कॉटन कैंडी बोलते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। नाउ मच लेटर आई केम टू नो दैट कॉटन कैंडी एंड कैंडी फ्लॉस आर द सेम थिंग्स, वो दोनों एक ही चीज है। तो हमने ये वाला शब्द सीखा बाद में, पहले तो बूढ़ी माई के बाल ही बोलते थे, इंग्लिश में कैंडी फ्लॉस सीखा था, कॉटन कैंडी मुझे बहुत बाद में पता चला है। आगे बढ़े, ये एक सब्जी है जुकीनी, जुकीनी। आजकल तो आई थिंक सभी डिशेस में जुकीनी डाली जाती है, इसलिए आई थिंक देयर इज मोर अवेयरनेस आजकल के बच्चों को भी, और आज की जनरेशन को जुकीनी पता है। हम जब छोटे थे तो आई डोंट थिंक हमने जुकीनी का नाम भी सुना था, देखा भी नहीं था कभी जुकीनी। यहाँ पर वह सेम चीज को बोला जाता है कुर्जेट, कुर्जेट। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक बार दोनों देख लें, जुकीनी कुर्जेट, दोनों सेम चीज है। आगे, आई होप हैंड राइटिंग समझ आ रही है, थोड़ा सा स्केच में मुझे दिक्कत आ रही है पर, और मुझे नॉन कर्सिव में लिखना पड़ रहा है, नॉट वेरी यूज टू दैट। एनी वेज, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, देखिए क्या फर्क है। चिप्स यहाँ पर पटेटो वेफर्स को बोलते हैं, यहाँ चिप्स फ्रेंच फ्राइज को बोला जाता है। सो दिस देयर कुड बी कंफ्यूजन, अगर आपने ये चिप्स जाकर अमेरिका में मांगे तो आपको क्या मिलेगा, और चिप्स जाके अपने ब्रिटिश इंग्लैंड में कहीं गए वहाँ चिप्स मांगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, आपने आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज चिप्स, हम लोग भी फ्रेंच फ्राइज ही बोलते हैं। आगे बढ़े, फ्रेंच टोस्ट, मुझे अभी भी बहुत पसंद है, जो हम एक स्लाइस ले लेते हैं और मिल्क और क्या कहते हैं अंडे में उसको डिप करके नमक और आई थिंक सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसको बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट, ये मुझे अभी भी बहुत पसंद है। यहाँ पर उसे बोला जाता है एग्गी ब्रेड, अंडे की ब्रेड, बट आई थिंक हमारी इंडियन इंग्लिश में भी हम फ्रेंच टोस्ट का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट सब्जी आई एग प्लांट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बैंगन, है ना, यहां पर उसे बोलते हैं, स्पेलिंग आप देखना और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी देखना, ओबरजीन, ओबरजीन, एग प्लांट ओबरजीन। हमारे यहाँ ज्यादा इसको ब्रिंजल ही बोलते हैं, आई थिंक एग प्लांट एंड ओबरजीन दोनों ही हमारे इस्तेमाल नहीं होता, राइट, एग प्लांट ओबरजीन। आगे, कॉर्न मक्का, यहां मेज। कैंडी, जिन हम हिंदी में टॉफियां बोलते हैं, कैंडी यहां पर क्या बोलते हैं, स्वीट।
कैंडी स्वीट। या ये सब्जी हमारी एक और, ये क्या है, बीट। यहाँ पर बीट रूट, हमारे भी बीट ही ज्यादा प्रयोग में आता है, बीट रूट भी बोलते हैं बट बीट इज मोर कॉमनली यूज, है ना, बीट बीट रूट। आगे बढ़े, फ्रूट। हाँ जी, आगे आए कपकेक्स। मुझे लग रही है भूख। कपकेक्स और यहाँ फेरी केक्स। हम लोग कपकेक्स, मफिन्स, इस सबको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फेरी केक्स आई डोंट थिंक हमारे यहाँ ज्यादा कोई बोलता है। फेरी केक्स इज अ टोटली ब्रिटिश थिंग आई थिंक। हम लोग कपकेक्स एंड मफिन्स ही ज्यादा बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आई हमारी सब्जी, ग्रीन अनियन, जिसे हम लोग हिंदी में हरा प्याज बोलते हैं, और यहाँ पर स्प्रिंग अनियन। आई थिंक स्प्रिंग अनियन इज यूज्ड मोर, हम लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं, स्प्रिंग अनियन वर्ड का। नेक्स्ट एक और सब्जी आई, धनिया, यहाँ सिलेंट्रो, और ब्रिटिश इंग्लिश में कोरिएंडर। हम लोग भी कोरिएंडर ही ज्यादा यूज करते हैं, सिलेंट्रो भी बोला जाता है पर आई थिंक कोरिएंडर इज यूज मोर, और हिंदी में तो ऑफ कोर्स धनिया। केचप, यहाँ टमाटो सॉस। आई थिंक इन दोनों का ही यूज हम लोग करते हैं, वी यूज दीज वर्ड्स बोथ ऑफ देम, केचप एंड टमाटो सॉस इक्वली। श्रिम्प, सी फूड में, यहाँ पर प्रॉन। हाँ जी, श्रिम्प प्रॉन, इट्स ऑफ कोर्स प्राणी है जो समुद्र में पाया जाता है, ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ सी फूड, श्रिम्प प्रॉन। नेक्स्ट आए आपकी एक और सब्जी, जिसे यहाँ बोला जाता है बेल पेपर, हिंदी में हम लोग बोलते हैं शिमला मिर्ची, और यहाँ कैप्सिकम। कैप्सिकम इज मोर वाइडली यूज्ड पर बेल पेपर भी अक्सर कई जगहों पर बोला जाता है। जब मैं छोटी थी ये मुझे बहुत पसंद था, अब मैं नहीं खाती। जेलो, और यहाँ जेली। हर सैटरडे संडे मेरी मम्मी बनाती थी और मेरे भैया और मैं खूब एकदम टूट पड़ते थे इसमें। जेलो, जेली। सोडा या फिर पॉप बोलते हैं। फिजी ड्रिंक, यहां मैं बात कर रही हूं कोक, पेप्सी, स्प्राइट इत्यादि की। सोडा या फिर पॉप, फिजी, फिजी ड्रिंक। ओटमील, पॉरेज, जिसे हम लोग दलिया हिंदी में बोलते हैं, है ना, ओटमील, पॉरेज। लास्ट ग्रेनोला, अब तो ग्रेनोला बार्स जगह जगह पर सुपरमार्केट्स में दिखाई देती हैं। ग्रेनोला, और ग्रेनोला को यहाँ पर बोला जाता है म्यूसली। आई थिंक म्यूसली ये जो स्पेशली जो कैलोरी कॉन्शियस हैं उनको सबको पता होगा, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ म्यूसलीज, दूध में डाल के बहुत मजा आता है। ओके, ग्रेनोला, म्यूसलीज। ठीक है, यहाँ कंक्लूड होता है फूड वाला। हम ट्रांसपोर्ट की कुछ डिफरेंसेस देख लें, है ना। ओके, हाँ जी, नंबर वन यहाँ पर आया ट्रक। ठीक है, ट्रक को यहाँ बोला जाता है लॉरी। हम लोग ट्रक लॉरी दोनों ही बोलते हैं, है ना। यहाँ आया एयरप्लेन, यहाँ आया स्पेलिंग का थोड़ा फर्क है और बोलने का भी, एरोप्लेन, एयरप्लेन, एरोप्लेन। ठीक है, और ये आया नेक्स्ट ट्रंक, बूट। यहाँ ट्रंक मैं उस संदूक की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारी दादी नानियों के पास हुआ करते थे और हम वेट करते थे कि दादी नानी सो जाएं और उसको पेटी को या संदूक को खोल के देखें उसमें क्या क्या भरा हुआ है। आई यूज टू डू दैट, पता नहीं लगता था दुनिया के कौन से खजाने उसमें मिलेंगे हमें, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये हम बात कर रहे हैं जो कार में जिसे हम डिक्की बोलते हैं, वहां अमेरिकन इंग्लिश में से ट्रंक और ब्रिटिश इंग्लिश में उसे बूट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, फायर ट्रक,
फायर इंजन। जब आग लगती है तब कहीं पर भी तो हम फायर इंजन को बुलाते हैं, फायर ट्रक, फायर इंजन। नेक्स्ट आया आपका ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन स्टेशन और यहाँ पर रेलवे स्टेशन, हम लोग रेलवे स्टेशन ही बोलते हैं ज्यादा, है ना। नेक्स्ट आया शेड्यूल। एक चीज का मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं लिख लूं शेड्यूल और यहाँ पर टाइम टेबल। हम लोग इसे शेड्यूल बोलते हैं बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्केड्यूल बोला जाता है, स्केड्यूल। ठीक है, लिखना तो स्पेलिंग तो दोनों के सेम है, हम लोग भी यही स्पेलिंग यूज करते हैं, वो लोग भी यही स्पेलिंग यूज करते हैं, बट दे प्रोनाउंस दिस एज स्केड्यूल, यहाँ पर टाइम टेबल। जब मैं छोटी थी मुझे याद है, अब तो पता नहीं, आई डोंट नो ये टाइम टेबल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, व्हाट विद ऑल द इंटरनेट एंड ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल। जब हम ट्रेन में सफर करते थे तो मेरे पिताजी टाइम टेबल, एक छोटी सी डायरी जैसी बुक होती थी, उसे लेके जाते थे और मुझे बताते रहते थे कि अच्छा अब ये स्टेशन चला गया है, फला स्टेशन अभी आएगा, इतने बजे आएगा, इतने बजे गाड़ी यहाँ रुकेगी, एंड बहुत हम मजे ले लेके उसे सुनते थे, हमें बहुत मजा आता था। सो दैट इज वॉट आई एम रेफरिंग टू, यहाँ पर टाइम टेबल, यहाँ पर शेड्यूल, प्रोनाउंस्ड एज स्केड्यूल। नेक्स्ट वन वे टिकट, एक तरफा टिकट, एक तरफ की वापसी की टिकट नहीं, वन वे टिकट, यहाँ पर सिंगल टिकट। मीनिंग सेम है, सिर्फ बोलने का फर्क है, सिंगल टिकट, वन वे टिकट। नेक्स्ट आया आपका गैस स्टेशन और यहाँ पेट्रोल पंप, हम लोग भी पेट्रोल पंप ही बोलते हैं, हम लोग गैस स्टेशन का यूज नहीं करते, बट मीनिंग सेम है, अमेरिकन इंग्लिश में उसे गैस स्टेशन बोलते हैं, हमारे यहाँ पर और ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल पंप। लाइसेंस प्लेट और यहां पर नंबर प्लेट, हमारे भी नंबर प्लेट ही बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में भी उसे नंबर प्लेट ही बोला जाता है। ये आया गाड़ियों की ही बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स। विंडशील्ड, आगे का जो कांच होता है किसी भी गाड़ी में, ट्रक में, लॉरी में, कहीं भी, विंडशील्ड, यहां पर विंड स्क्रीन। ठीक है, ओके, कैरिंग ऑन, आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना। आगे बढ़े, इंटरसिटी बस, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने वाली बस, इंटरसिटी बस, यहां पर कोच, हम उसे एसटी बस बोलते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, इंटरसिटी बस, कोच। नेक्स्ट आया आपका मोटरसाइकिल, यहां पर मोटरबाइक, वी यूज बोथ ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज इक्वली, हम मोटरसाइकिल भी बोलते हैं, मोटरबाइक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आया आपकी गाड़ी का, दिस इज अ टाइप ऑफ अ कार, मेक ऑफ अ कार, सेडान, सैलून। आई थिंक सेडान हमारे यहाँ ज्यादा यूज होता है, मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आई थिंक आप लोगों को ये ज्यादा समझ आएगा। सेडान इज अ टाइप ऑफ अ कार, है ना, और हमारे यहाँ भी आई थिंक सेडान यूज होता है, वी डोंट यूज द वर्ड सैलून। एनीवेज, मूविंग ऑन, मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। हाईवे, आई होप ये फिट आ जाए, यहाँ पर जगह कम है मेरे पास। एक्सप्रेसवे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नीचे लिख लेते हैं, हाईवे या एक्सप्रेसवे, यहां पर मोटरवे। वी ऑल्सो यूज हाईवे एंड एक्सप्रेसवे, हम भी इसी का प्रयोग करते हैं, वी डू नॉट यूज मोटरवे, है ना। आगे बढ़िए, साइडवॉक, साइडवॉक ये है, या फिर क्रॉसवॉक। स्केचमैन में लिखने में यही दिक्कत है कि जगह की कमी हो जाती है, साइडवॉक या क्रॉसवॉक,
जहाँ से पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलने वाले हैं वो सड़क को क्रॉस करते हैं उसे साइड वॉक या क्रॉस वॉक अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर बोला जाता है जीब्रा क्रॉसिंग। हमारे भी इंडिया में भी हम लोग जीब्रा क्रॉसिंग ही बोलते हैं उसे, क्योंकि वो जीब्रा के जैसे दिखता है ना, काली सड़क पे सफेद सफेद पट्टियां, जीब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट कम्स पार्किंग लॉट, या गाड़ियां पार्क कर सकते हैं यहां, कार पार्क। ओवर पास, फ्लाईओवर, हम हमारे यहाँ भी फ्लाईओवर ही यूज किया जाता है, वी यूज द वर्ड फ्लाईओवर, ओवर पास हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका आया ट्रैफिक सर्कल। जब हम एक गोल चक्कर आता है बीच में उसे ट्रैफिक सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर यहां बोला जाता है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट ट्रैफिक सर्कल आई थिंक इक्वली यूज्ड, राइट। अब आया आपका सबवे, जिसे मेट्रो हम लोग बोलते हैं, सबवे, यहां अंडरग्राउंड, राइट। एंड द लास्ट वन इज हुड, ये भी गाड़ी व्हीकल्स को लेकर है, हुड एंड बॉनेट। जो आगे का पार्ट होता है किसी भी व्हीकल का, जहां पर द इंजन एंड अदर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कार आर, उसे बोलते हैं हुड, और ब्रिटिश इंग्लिश में उसे बॉनेट बोला जाता है। ठीक है, दिस कंक्लूड्स आवर वोकैबुलरी, यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे एंड यू हैड फन वाइल लर्निंग। इनकी आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रोनाउंस करने की भी कोशिश कीजिए साथ साथ में। यू कैन वॉच द वीडियो अगेन और मेरे साथ साथ इसको प्रोनाउंस कीजिए, बोलिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होते जाएगा। ठीक है, बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग एवरीवन। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।